वैसे तरसेम जी इन्नी कड़क की धुप च केड़ियां अंबरसरी बड़ियां उत्थे सकार रहे सी? रोटी खाने तो बाद मैं सैर करदा हुंना जी। वाह, मैनू यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस इंसान नाल गल कर रहा जो सवा साल पहला इत्थों दो तीन बारी भजन की कोशिश कर चुकया ते हुण अपनियां सारियां बैड हैबिट्स त्याग के इन्ना हैल्थ कॉन्शियस हो गया कि इस जगह नूं तनो मनो अपना चुकया। जेलर जलौर सिंह जौल दा तैनू अनऑफिशियली सलूट करन जी कर रहा। ये की कर रहे जी? ना ये तो कुछ भी नहीं बेटे, मेरा तो हाथ जोड़न जी कर रहा। ना इदा ना करो जी। मैं मानदा कि पिछले 14 महीनों च तू कोई ऐसी पुठी सीधी हरकत नहीं की, पर इस गल नूं भी अखों परोखे नहीं किया जा सकता कि जिस बंदे च एक बारी भजन वाला वायरस वड़ जावे और दोबारा किसे वेले भी जाग सकता। वो तो है जी। हां जी, मतलब तुसीं सही कह रहे हो। एक गल होर, अपने मन दे विच कदे भी ये फिल्मी फीलिंग नहीं लैके आउणी कि बार खुरदार दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो तरसेम लाल को कैद रख सके। सो वड्डे वीर, ए कैद नहीं है, ए ओ अपाकी जगह जिथे तुसी चरण पाके इस नूं भागण वाला बनाया। हाथ जोड़ के तुसी मैनूं शर्मिंदा कर रहे हो जी। यही तो मैं चाहुंदा कि तुसी शर्मिंदा होवो तां जो तुसी मैनूं शर्मिंदा ना कर जो। इस वर्दी ते अज तक कदे कोई दाग नहीं लग्या ते मैं चाहुंदा अगों वी अल्ट्रा क्लीन ही रहे। हाँ, जिथों तक फैसिलिटीज़ दा सवाल है, जो तुहानूं इत्थे चाहीदियां उहदे लई मैं हाजिर हाँ। 9 नंबर दे फ्लीट बूट लै दिओ जी। हां जी, सैर सुर करनो। तू 9 दी गल कर, तैनू 10 नंबर दे लै देंगे जे कहें उत्थे रनिंग ट्रैक बना दिए भावें दिन रात भजी जाई। हुण तुसी ट्रैक बनाओ चाहे ना बनाओ जी, पर तुहाडा क्या सिर मत्थे, हुण कह दिओ उत्थे ही भजणगे। जरनैल, ओ जरनैल, ओ तैनू कुड़ी मिलन आई है। है मैनू? ओ तैनू बंदा मिलन आए, दूजे जरनैल नू मिलन आई है। ले ले जरनैल। ओ जरनैल, ओ तैनू कुड़ी मिलन आई है। अमन? जरनैल, सब ठीक तो है? मेरा व्याह तरता। व्याह तरता? मैं डैडी नू मनाउन दी बहुत कोशिश कीती पर नहीं मन्ने। ते तू मन गी? जदों दा तू अंदर होया मैं घरदियां दे नाल लड़दी रही हां। रिश्तेदार डैडी नू अड मीणे मारदे कि तेनू फेम दी तस्करी वाले मुंडा मिलिया सी। ते तू वी लोकां नाल रल गई है? तू चंगी तरह जानदी है मैं जो कुछ नहीं कर सकदा, मैनू फसाया गया है। ते तू ए वी जानदी है फसाया कीने? तू कदों तक मेरे भरा ते शक करदा रहेगा? लोकी तेरा नाम लैंदे ने, मैं किदा किदा मुंह बंद करा? तू मेरी हालत नहीं जानदा। ते मेरा मेरा की है जरनैल? मैं एक दिन इस जेल च ही सोच के कट रहे कि कदों मैं बाहर निकला ते कदों मैं तेरे नाल एक नवी जिंदगी की शुरुआत करा। मेरी एक सजा च मुक्की नहीं है, तू एक होर दे चली है। मैं माफ कर दे। नहीं, मैं नहीं माफ करता। तू जा एक बारी होर अपने डैडी नाल गल कर। बहुत देर हो चुकी है जरनैल, कल मेरा ब्याह है। ते तू मैनू अज दसना ही है? मीना पहला भी दसते नहीं थी, की कर लेना, बजा के ले जाता। नहीं ना, सगो दी जेल च बैठे रहे, मेरे वांग तू रोज मरना सी। आज केड़ा तू मैनू जिंदा छड़ चली है? समझ ले तू मैंने आई ठीक है। धोखा दे रही है तू मैनू, जिन्हें भौनी नहीं सी तलाई क्यों सी मेरे नाल? जवाब दे मेरी गल दा, तू किसी होर नाल ब्याह नहीं करा सकती, तू मेरा जीना औखा करके नहीं जा सकती।
जीना तो तुम्हें नहीं औखा है जरनैल, तेरा मेरे बगैर, मेरा तेरे बगैर किसी और नाल। जिलर साहब की माजरा? आशिक है, इश्क दी बलि चढ़ गया। बड़ी दुख वाली कहानी है इसकी। आजो भी छेती आजो। ना क्यों काल मचा रखी है, कितने जंज चढ़ना है? जंज चढ़ना है, ब्याली कुड़ी वेखण चले हैं, लेट हो रहे हैं। ना ऐ दस, मुंदरी केड़े विचोले नू पाउण लगे? बचन चाची नू। मैनू कह दंदा कुड़ी लभण नू, मैं तां दूधी पवांदी रह गई, मुंदरी तां बचनों लै गई। ओ चाची ने कुड़ी इन्नी सोहनी लभी है, ओनू मुंदरी की मैं पूरा सैट पवा दवां। चल गुरपते, चंगा जिउंदे रहो। वीर जी, मुंडे ने ता कुड़ी दी फोटो वेख के ही हां करती सी, बस हुण ता तुहाडे वल्लों हां दी उड़ीक है। वैसे काका जी, तुसी किन्ना क कमा लैंदे हो? बाजी 30,000 रुपया बन जांदा महीने दा, 5 मच्छां ने 50 किलो दुद्ध देंदियां ने, 2 किलो मैं पी जांदा ते बाकी 50 किलो बिक जांदा जी। पर काका जी, 2 किलो दुद्ध पी के ता फिर 48 बचना चाहिदा, तुसी 50 किवें वेच लैंदे हो? ओ जी, ओ एडजस्टमेंट हो जांदी जी। भाई दोजी है भावे जिहो जिहा मर्जी होवे, पर मुंडा सचा सुचा है। मुंडा तां हीरा है जी, भावे मां बाप तो बिना पलिया, पर एक भी ऐब नहीं है मुंडे च, बाकी असी बैठे हैं ना। काका जी, तुहाडी कोई मांगता नहीं? क्यों शर्मिंदा करते हो जी, मैं तो थोनू व्याह ते भी एक पैसा नहीं लाउण देना। बचन करे भाई, मैनू मुंडा पसंद, कराओ फिर मुंह मीठा। लो हुणे लो। आ मनवीर कोरे। आ गई जी, आ गई, बस आ रही हां। मम्मी, ना मन लई हा लंडू जई मुंडा लभया सी, जेड़ा मैं रिश्ता दस्या सी ओ माड़ा। तू एक नशेड़ी घट है घर च, जेड़ा तेरी भैण नू भी नशेड़ी दे लड़ ला दिए। ना नशे डंग मार दिया भैण नू, अगला 7 किलियां दा मालक आ, आ दूजी कोल 7 ढोल नहीं होने दुध वाले। तू ना आ रही हां जी, पछाट। आ गई जी, आ गई, बस आ गई। बलबीर भाई, मैनू दा मुंडा बहुत चंगा लगा, और फिर कर दिया रिश्ता पक्का। हाँ जी हाँ जी, मैनू दा मुंडा पसंद है, ले काका कर मुंह बेटा। भैन जी थानू भी बहुत बहुत मुबारक। थानू भी बहुत बहुत बधाई है जी। जरनैल, जे तू कुड़ी ना कल्या 2 मिनट गल करनी तो कर ले, क्यों जी? हाँ जी हाँ जी, सिख नाल क्यों नहीं। अरेंज्ड मैरिज, लव मैरिज तो सुनियो ना की हुंदी है। मैं अरेंज मैरिज नहीं करवाना चाहती, जिहड़े मुंडे नूं मैं जानदी नहीं, जिहदे नाल मैनूं प्यार नहीं, मैं उहदे नाल अपनी पूरी जिंदगी किवें कट सकदी आ? लोकी भी कटदे ही आ, ब्याह तों बाद प्यार भी हो जांदा। की गारंटी? मैं तां अपनी गारंटी दे सकदा, मैनूं तां हो जाऊ तुहाडे नाल प्यार, पर तुहाडा मैनूं पता नहीं। तां ही तां मैं ब्याह नहीं करवाना चाहती, जदों मैनूं किसी नाल प्यार हो जाऊ मैं उहदे नाल ब्याह करा लूं। प्लीज़ तुसी डैडी जी नूं मना कर सकते हो, प्लीज़। मेरे तो सारे पिंड नूं पता है, मैं तुहाडी फोटो देख के डुल गया सी, मैं हुण मैनूं नहीं पता, जिवें डुले सी उवें अपने आप नूं इकट्ठा करो, प्लीज़ जाण तो पहला ना बोल के जाओ। पर काका जी, हुणे तां तुसी हां कीती सी, आ 5 मिंटां च की हो गया? मैनूं तां तुहाडी बेटी बहुत पसंद है जी, ते मैं उहनूं गुआउणा नहीं चाहुंदा। मैनूं किसे पंडित ने कहा सी, तेरा पहला व्याह नहीं चलना, दूजा चलू। मैं सोच रहा सी कि मैं पहला किसे होर नाल व्याह करा लवां, फिर इन्हां नाल करावां। बोलो, लै जा इस पागल मुंडे नूं इत्थों, एहो जिहा मुंडा लभिया सी मेरी कुड़ी ली। वीर जी, मेरी गल तां सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना, लै जा इहनूं इत्थों।
मैडम स्टूडेंट्स वालों थानू कोई परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं मैम, सारे स्टूडेंट्स बहुत वधिया ने। गुड। प्रिंसिपल मैडम स्कूल च दुध लवाया जी? नहीं तो क्यों? बाहर एक दूजी आया जी। दूजी की करन आया? मैं पढ़न आया जी। मैं भी अंग्रेजी सीखनी है। आओ जी आओ, पर असि अंग्रेजी सिखाने तो पहला पंजाबी सिखाई दी है। पंजाबी तो जी मेरे च कोट कोट के भरी हुई, जम्मण तो बाद मुँह चो पहला अखर ही उड़ा निकले सी। ऐ समझ लो माँ बोलन तो पहला सी माँ बोली सीख ली सी। चलो मैं रजिस्टर चो थोड़ा ना चढ़ा लेनी है। की ना है थोड़ा? जरनैल। ओके जरनैल प्लीज बैठो। चंगा जी। मैडम जी दूजी नू अंग्रेजी विच की कहंदी है जी? मैं दस दे जी की घाट है मेरे चे? तोड़े चे पूरा की है, पढ़े लिखे तुसी हो नहीं, दिमाग तोड़े चे है नहीं। इस करके मैडम हुण थोड़े जिन्ना दिमाग मैं कित्थों लैके आवां? तुसी पाइए दे भांडे चे अद्धा किलो दुध पाउण नू फिरदे हो। मात्र तां हुण इहो जिही है। मैनू इहो जिहा मात्र नहीं चाहीदा। आ कौण आ जिहड़ा तेरी भैण नू खड़ाई खड़ा? मैं कुछ कौन ही कुत्ता कार मगर जिन्ना मर्जी भज ले विच सवार नहीं हो सकता। कल सुन ले मेरी, जे मेरा विआह अमन नाल ना होया ना तो अपने आ नशे पत्तियां दा इंतजाम आप कर ली। हाँ वीर, साढ़े पिंड आशकां दे पैंदियां बहुत ने। इज्जत माण तां आशकां दा किसे पिंड च नहीं हुंदा। वैसे मैं आशकी करन एक मसला सुलझाउण लई आया सी। मसला तो मैं सुलझा दिंदा, इहनू जाणदा कौण? नहीं जाणदा तैनू इह भी नहीं, पर मैं फिर भी थोड़ी जाण पछाण करा दें। बिंदर इह ओह मुंडा जिहड़ा मेरी भैण नू देखण आया सी, ते इह ओह मुंडा जिहदे नाल मेरी भैण दा विआह होणा। चल दिखी ना हुण, चल के कमार ते तुरदा बण। ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਰ ਜਗ, ਜਗਮਣੇ ਜਗ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ? ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਫੋਰ ਕਾਈਟ, ਕਾਈਟ ਮਾਣੇ ਪਤੰਗ। L for lover, lover माने दोजी। मैडम आज लवर नहीं आया। आ दोजी तो याद आया, आज साड़ी मज बीमार होगी, दूध ना दवे। अच्छा मैं डेयरी ते दूध लैण लई जाण लग्या ना, मेरी घर वाली कहंदी तुसी ना स्कूल जाओ, मैं आपे किसे लवर नू खड़ा के दूध पवा लूंगी। फिर पवा लिया? ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਟਾਉਣਾ ਐਸੀ ਆਦ। ਸੌਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੈ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਦੇਤਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਵਧਾ ਕੇ ਰਹੂੰ ਆਪਦਾ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰੀਲੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੱਟਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤ? ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੋਸਤੀ ਕਾਹਦੀ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਪਿਆ ਫਟ ਜੇ ਪਨੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਟ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਕਾ ਜੀ
हाले दुध का हिसाब मुक्या नहीं? मुक गया बाबा जी, सब कुछ मुक गया। चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओ मैं क्या जी, सत श्री अकाल। यारी जट दी तूत दा मोचा कदे ना विचालों टुट दे। क्यों मैडम जी? जिथे तकर गल पहुंच गई है जट दी, अजे भी अरेंज मैरिज है जां फिर लव? वीर जी, ये तो कुड़ी ते मुंडे दी आपस च शरारत सी जिस करके रिश्ता हुंदे हुंदे रह गया सी। भुल चुक, माफ जी। ले पुत्तर जी, गलती तो साड़ी थी दी, तुसी क्यों माफी मांगते हो? गुरी पुत्तर जा, अंदरों जाके नवा तौलिया लेके आ, मुंडे दे छुआरा लाइए। नवा तौलिया है नहीं करे। पुत्त कोई ना, तू जाके कोई तोता होया ही ले आ, जा तो सही। कोई ना, तुसी कराओ तो सही इहदे नाल व्याह, इत्थे तां दाज दा परचा मैं पवाऊं। देखो पुत्तर जी, हुण तुसी कबीलदारी च पैणा ते इह शरारतां छड्ड के काम वल ध्यान दो। महंगाई पहले ही बहुत है ते व्याह तो बाद खर्चे भी वध जाणे आ। खर्चे जिन्ने मर्जी वधी जाण, पानी तो मुफ्त च ही आना है। मतलब? ब्याह दा मतलब ही एडजस्टमेंट है जी, ते आपां करी जानी है। जिथे पहला 48 किलो दुध दा 50 हुंदा सी, उत्थे हुण 48 दा 50 हो जू। एडजस्टमेंट। पुत्त, ब्याह दे 100 खर्चे हुंदे ने, तेरा इन्ने क पैसे नाल सर जाऊ। हाँ जी, मैं सार लेने जी, बस तुसी सारे इस एतवार की तैयारी रखियो, बाद च ना क्यों के दस्या नहीं। ले ए केहो जी गल हुई पुत्तर, जे तू सदा ना भी देन आउंदा असी तां भी आ जाना सी। साडे लई ते जेहो जे बलजीत ओहो जे तू ए पुत्त। बिल्कुल जी। ओला जरा 50,000 है और चाहिदा तो दसी संगी ना है। थैंक यू वीरे, अछेती हूं। कोई चक्कर नहीं। चंगा जी, रोको ए, रोको। हाँ जी जनाब। हाँ, टोल चुकी है। दुध सीगा जी, वो मैं पाया, माड़ा मोटा होगा जो चाहिए है तो ले लो। चक्कर भाई। जी जनाब। होया की जनाब? दस दे आ, दस दे आ। जनाब मिल गई जनाब, आ देखो। आ की है जी? तू लई फिरदा है, तैनू नहीं पता? फीमा। महाराज दी सौं जनाब, मैं तो पता भी नहीं है कितों। तू ही लैके आया होना, नहीं तो प्या प्या दुध फीम बन गया। फड़ो इनू, ठोको थाने। जनाब चलो। चल भाई। पुलिस फड़ के लै गई थोड़े जरनैल नू। हैं? की हो गया? फीम फड़ी गई है ओदे कोलों। की बकवास कर रहे हैं? जे मेरे ते नहीं यकीन तो जाके थाने देख लो। आखे जी असी नशेड़ी नाल नीति व्यौनी आ बड़ा डेरे का महंत लभे असी तुसी। मेरी गलती यकीन करो, ये फीम मेरी नहीं है, रखाई गई है। असी तैनू एक बहुत वधिया मुंडा समझदे सी जरनैल, चंगा होया विआह तो पहला ही सच्चाई सामने आ गई। चल अमन। अमन, मेरे ते भरोसा कर, मैनु फसाया गया। पर कौन फसाऊगा तेनू? मैनु नहीं पता, पर मैं बेकसूर हाँ। जिदण कानून तेनु बेकसूर कहूगा ना, उदण असी मन्नांगे कि तू बेकसूर है। अमन सुनिया नहीं तेनू? चल। दस्या जेलर साहब ने यार, बड़ी माड़ी हुई तेरे नाल। कदों वे अमन दा? अमन नहीं है ना? तू की पट लेंगे जान के? उन्हें मिलता हो, जेलर साहब कह रहे से भी पूछ के दस, जे वो कुछ कर सकन ता एदा कल नु। कुछ नहीं करना जेलर ने, तेनू आप ही करना पैना। भज जा जेल चो। मैं पहले ही बहुत दुखी हाँ भरावा, तू जा इत्थों। मैं सच्ची कह रहा, मैं
मैं भजन लई जेल च सुरंग पट्टिया। जे तू कहने तो दोवें तित्तर हो जाने अज रात। तू तो दो बारी पहला भी तित्तर होने लगा सी, की बनया? छे महीने की सजा 2 साल की करा के बह गए। जे महल्ले चो बस चिंतपूर्णी जाती हो तो जो बंदा माता नहीं भी मानता वह भी बस च बह जाता भी चल साडा की अस तो सीट पर ही पैना। वो तेनू जेल चो भजन लई पट्टी पटाई सुरंग मिल रही है, तू एवें चौड़ा होई जाना ना बै। मैं तो भजी जाना। मेरे वालों तू भावें हूँ भज जा। चंगा होया तेरी मशूक तेन छड़ के चल गई। ठहर, जे तेरे ना माड़ी ना हो जाती ना तेरे कूनी मारनी सी। मैं अपने तो दूर होंदा दुखी होंदा मैनू पता है। तड़फेंगा जिम्मे मैं अपने मुंडे तो बिना तड़फदा। जे अमन का विआह कितने होर हो गया तो समझे तू? नहीं तड़फता, वह मैनू धोखा दे के गई है। देख तरसेम लाल, तेनू तेरी चिंतपूर्णी वाली माता का वास्ता, मैनू बख्श दे। ठीक है, जा जा। मैं तो नहीं आया तेरे को, तू है। 112 भीरे गल तो सुन, उस कुड़ी वालों भी सोच के वेख। लोग अपने जवाई बारे माण नाल कहिंदे भी साडा जवाई बाहर रहिंदा है, तेरे बारे की कहणगे? साडे जवाई जी अंदर रहिंदे ने। होनी है यार उनकी कोई मजबूरी, वीरे प्यार नसीब वालों में मिलता, आलस ना कर। मैं तेरे पीछे किवें होलवा? तेन तो शौक है भजन का। शौक नहीं है भाई, मैं अपने मुंडे नूं मिलने भजदा। मेरी घरवाली दे गुजरन तो बाद मेरे मुंडे का प्यो भी मैं ते माँ भी मैं। मेरा खड़ौने का छोटा जा कारोबार सी। ले भाई। थैंक यू जी, बाय। पढ़ूगा लिखूगा नहीं तो कामयाब किवें होऊगा? मैं किन्ना पढ़िया हूं? पहली कीती है वह भी शायद अद्धी, पर एडा खड़ौने का कारोबार चलाई दा। आज दी डेट च पूरा सक्सेसफुल हाँ। डैडी सक्सेसफुल हुंदा। तुस तां कहिंदे सी इहनूं पंजाबी नहीं आउंदी, अंग्रेजी एडी वधिया बोलदा है। इहनां ने सिखाई होणी? ना, टीवी चों सिखियागा। जो स्कूल नहीं सिखाउंदे ओह टीवी वेख के सिख जांदा जी। आपां एवें फीस भरदे फिरदे बेटा, अगली बारी ना केबल वाले नूं देवांगे स्कूल दी फीस। जिन्हां दे मां प्यो इहो जिहे होण तुसीं आप सोचो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਈ ਦੇ ਵੀ 2 ਜੜਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੁਝੇ ਰੋਤੇ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਵੇ ਬੈਠ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਾ ਦੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਿਉਂ? ਲੇਟ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, 6 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਡੈਡੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਥੋੜੀ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
इदा कि अखा टट के वेख रहे हो? मैं हने प्रगट हो चीचा जी, थप्पड़ मारन तो पहले एक बार देख तो लेंदा ही बंदा कौन है। छोटे जवाक जो ने मोटरसाइकिल मारा तू उन्हें बंदा कह रहे? किवें होया बंदा, बंदा किवें होया? ठीक है हुण माफ़ी मंग लियो एस एच ओ साहब तो। भीम चंद मोटरसाइकिल उन्हें मारिया है, माफ़ी वो मंगे मैं दे भी दूँ? ओए दा कुछ नहीं हो सकता, एस एच ओ ने थप्पड़ मारिया तू घट्टो घट 5-6 महीने लिए अंदर जाएगा। पुत उ बोली जाते हैं, मैं इन्ने पुलिस वाले वेखे लोगों के थप्पड़ मार दे, वो कोई अंदर गया नहीं ना? आप क्यों जाइए अंदर फिर? वो पढ़ाने लिए डराते होंगे ना, बस वही तेन डराई जाते हैं, तू पढ़िया कर ठीक है। जो ये माँ जिंदा सी तू उन्होंने चैन ना जाण दिता, घट्टो घट इन चैन ना जाण दे दे, ये अगे सच न सच रहन दे। पुत प्यो तो बिना जीना सीख लै, हूँ इन्हें तो आई छड़ छड़ जाना है, चलो हूँ। हाँ चलो जाने, कितों मैं नाल लैके जाओ। जीजा जी मेरा तो जी करता थोड़ी थान से मैं अंदर आ जाऊँ। तो आ जा फिर। नहीं पर यह फैसला कल जज दूगा ना भी किन्ने दिन लिए होर अंदर रहना पैना। मैं जिथे रहना यार मेरे बिना सो कि मैं अब छड़ना पैना, जवाक न मेरे बिना नींद नहीं आनी। तू जवाक न छड़ असी तेरिया नींदरा किवें उड़ाने, तू ये देख मैं थप्पड़ मारे ना, मेरे थप्पड़ मार लै, जवाक तो माफ़ी मांग लै, हिसाब बराबर। टक्या रहा टक्या, तेन लंबा अंदर भेजू मैं। डैडी तू फिर डर गया, किदा पुत है तू? चरित्र सेम लाल जी दा। बस फिर डरन की लोड़ ही नहीं, अज की गल कल तो मैं बहार आ ही जाना, बस तू टाइम सिर रात दुध पी के सोनी, जे तेन नींद ना आए तो सैकल तो जिन्हें भी खड़ाने ना मामे कह के लवा ली, मामा स्टूल से चढ़ के ला दूगा है। तू सारे खड़ौने खेडी आप बेचने होर ले लेंगे, जब ती तू खेडना उदा मैं बहार आ जाना। पुलिस अफसर से हाथ चुकन के जुर्म च मैं 6 महीने की सजा सुना दी गई। बारे नहीं कढ़ दे। नहीं नहीं दुनिया दे ऐसी कोई जेल नहीं जो तेरे डैडी बंद कर सके, इन्ने साल तो तेरे डैडी बाहर ही सी ना, जे जे कोई जेल होती तो अंदर न बंद होती। तू रोका तो रहे हैं। कुबस, मैंने जुकाम है। चल, झूठा, जुकाम में लेते नाक चो पानी आंदा आंदा। नाक बंद करना था, अक्का चो पानी आ। फिर वादा कर, पक्का आएगा ना? पक्का है जुकाम, जीती है, पक्का। बेटे नाल झूठा वादा किवें कर सकता सी? ऐस करके जेल चो भजन की कोशिश की थी। जे फेर पड़िया गया थोड़ी सजा होर हो जू, थोड़ी थोड़ी ज्यादा। देख वीर जे तू ना भज्जिया तो मन का विआह तो कल वैसे ही हो जाना, जे तू भजन च कामयाब हो गया तो एक उम्मीद तो है वो विआह तू रोक सके, हाँ फैसला तेरे हाथ है। भजना कदों है? जिमें चंद चढ़ू आप चंद चढ़ देंगे,
अज रात रात नूं बैरकां दे बाहर जिंदे लगे होंदे ने। आके चप्पल ना जिंदे तोड़े कितों लेके आए? जे तरसेम लाल 30 फुट लंबी सुरंग पट सकता है तो 30 सूद की चाबी नहीं बना सकता। दसा नूह की कमाई है नाले एक नहीं चार इनिया कैदियों ने चार बैरक है पतंदरों का पता नहीं केड़ी बैरक नूं केड़ा जिंदा ला देने बस चार बना लिया जो मैं अपनी बैरक खोलूँ तेरी भी खोल दूँ चलता ना दिमाग चलता यही जे तो इश्क किया होंदा पौरा नहीं सी चलना हूँ तो इतना खड़ौने वेचे भरा कदे खेडे नहीं ये तो जिंदगी ने खेडा Thank you.
कपड़े खोने पैने आपां नूं किसे तों नाले गड्डी रोकनी पैनी है। बग्गू नूं मिलण दी कल तां मैनूं वी बहुत वारी गड्डी नंबर लुकल जे रोक लैंदा मौत पै जांदी तैनूं। इदा हाथ ला के गड्डी नहीं रुकनी, ये तां सड़क ते लाश बन के पैना पऊ, फिर गड्डी रुकू। तू पहला ये सोच ले जवाक कोल जाना है जवाक दी मां कोल, किते गड्डी रोकदे रोकदे कोई गड्डी चाड़ ना दे तैनू। तू लोक ठीक है और लुक जा, नहीं तो लगेगा तू बंदा मारिया। और चुप करके पै जा ता ही मरिया लगेगा। स्टेयरिंग सीधा रख ड्राइवर साहब, जागदा ही है। जागदा ही है। बस जागदे रही, तेरे हाथ गड्डी विश्वास नाल दित्ती हुई है। डरना वीरे, तेरा विश्वास नहीं तोड़दा। बस जिद्दे विश्वास टुट गया समझ लै लत्तां बाहां तोड़ दियां किसी ने अपनिया। वैसे तो इहो कोई गल नहीं पर फिर भी जे सौ गया दस दी। हाँ फिर मैं तो की दसना भरावा, कोई ट्रक वाली दसू या फिर सवेरे अखबारां दसणगी। तू ध्यान नाल चला। ओए कुत्ता थल्ले आ गया। कुत्ता नहीं मैं, कुत्ता बंदा। लै हुण अपने कुत्ते फेल होणगे। थोनू सड़क ते सुत्ता बंदा नहीं दिसदा। माफ करो बाबू जी, नेरा ज्यादा होने करके कुछ दिसे ही नहीं। साइकिल ते लाइट नहीं लवा सकदा? लाइट नूं हुण साइकिल ते जनरेटर रखा लिए जी असीं। तुसीं लाइट कहिंदे हो जी, साडे कोल जिन्ने के पैसे हुंदे असीं हवा इक टायर च भराई दी है। गरीब बंदे दी हवा कड्ढण वाले तां बहुत ने जी, पर भरन वाला कोई कोई मिलदा जी। लै लै स्वाद सड़क ते पैण दे, चलाउणा साइकिल ते ही चलदे आं। ना जी ना, साइकिल ना चक्को बाई जी। दो बंदिया दा सांझा साइकिल है जी, सड़क ते आ जांगे। तुसीं जिथे कहोगे दो नूं साइकिल ते बिठा के छड्डे आउंदे आ। इत्थे चार बंदे बिठाएंगा, तीन रात हो गए जी असीं सुते नहीं। कृपा करके तुसीं साइकिल ना लेके जाओ जी साडा। चल ठीक है, नहीं लेके जांदे। मेहरबानी जी, असीं गड्डी रोकनी है। हां जी, तुसीं सड़क ते पै जाओ लाशां बन के। चलो तीन दिनां तो सुते नहीं, मैनूं तां लगदा तीन दिनां तो बोले नहीं। मित्रां दी अखी अज नानिया, कोई बंदा बुंदा मारना ता दस नहीं। कोई बंदा बुंदा मारना ता दस नहीं। गलत करना यार भाई, सच्ची लाशा आ मुड़ पे ने। यही तो मैं कह रहा सी। आ जाओ भी थल्ले, आ जाओ। ओ डाकू, आ जाओ आ जाओ। डाकू नहीं, असी मजबूर हां। ते इन्ने मजबूर हां जे थल्ले ना आए गोली मार दंगे। हाजी ये कहंदे गोली मार देंगे, इन्हां कोले पिस्तौल तां है नहीं। ओ कोई गल नहीं, मैं हुणे गल कर लैना। उतर चल, चल उतर। पाजी तुसी कहने गोली मार दोगे, पिस्तौल तां तुहाडे कोल है नहीं गी। आ प्यो तेरी मां ने मारिया, ला कपड़े दिखाउना पिस्तौल तैनूं अपनी। ला ला पाजी, असीं इदां दे बंदे नहीं हैगे पाजी। ला कपड़े, असीं तां हैगे हां। लाशां घराड़े नहीं मार रही। तीन दिन तो सुतिया नहीं ना, नींद पूरी करके मर जानी। ख्याल रखी अपना, मिलेंगे कदे। हाँ। इन्नी रात गए कौन आ गया? ओ आए। तू तू कैसे आ गया? वो तेरे थाले छे महीने और पैसे। मैं भज गया। भज के? ओ तेनू शर्म नहीं भज के आने लग्या? शर्म आई ताही तो रात नू लुक के भज्जा। बुग्गू ना की लोड़ सी जेल तो भज्जण दी, छे महीने होर नहीं सी रुक सकदा। ਦੋਸਤਾ ਹੈ ਤੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਐਫਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੁੱਗੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੁੱਗੂ ਡੈਡੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਬੁੱਗੂ ਆਜਾ ਆਜਾ ਡੈਡੀ। ਬੁੱਗੂ ਬੁੱਗੂ।
नानी डैडी दाना पुत असी है गया ना मेरा पुत मेरे तो क्यों डरू क्योंकि इन्हें पता है कि तू बंदा गलत है देख ला पुत तेरा प्यो जेल चो भज के आया डैडी तू जेल चो कातू भजिया तेरे लिए पुत चल चलिए ना मैं नहीं तेरे ना जाना मैं तो हूं नाना नानी कोल ही रहूंगा कमनिया गल्ला ना कर तू इन्हां नाल रहन नु फिरदा इन्हां दा आपदा पता नहीं कल नु रहन ना रहन डैडी तू भी तो जेल चो भज के आया जे तेनू इत्थे बाहर जांदी पुलिस ने फड़ लिया फिर ना मैं आपदे प्यो दा रहूं ना आपदी मां दे प्यो दा की हुआ था मेरे पुत नु ये तो मेरे नाल लेंदा नहीं थकदा सी क्योंकि होने नु तेरी सारी सच्चाई पता लग गई की सच्चाई पता लग गई पुत मैं जो कीता तेरे लिए कीता मैं जेल चो भी तेरे लिए भज के आया चल चलिए आजा चल तरसेम तू इत्थों चला जा नहीं तो मैं पुलिस बुला लूं बुला लो मैं डरदा मैं अपने बच्चे नु लेना आया हक है मेरा चल पुत मैं कहनी है थाने फोन ला ही लो ला लो रहन दो मैं घर के मसले च पुलिस नु क्यों पाना कट्टो कट्टो पुत तू जो कहेंगे मैं तेरे लिए करनू तैयार ठीक है पर तू अपने दिल च मेरे लिए नफरत नहीं पालनी डैडी नफरत तेरे तो नहीं तेरिया नलैकियां तो होंदी है जे तू 1.5 साल पहला जेल चो भजन की कोशिश ना करता तो अज आप कट्ठे होना सी चला जा डैडी इथों चला जा मैं हुण तेरे नाल उदों ही जाऊंगा जो तू जेल चो रिहा होके आएगा बग्गू बग्गू गल सुन बग्गू इस सब पुट्ठा सीधा तुसीं सिखाया गोडे तोड़े चलते नहीं दिमाग थोड़ा लोड़ तो वह चलता जा जाता रहे नहीं तो तेरी सस ने तेरी बस करा देनी है चल जा इतों मैं नहीं जाता तू जाता है कि कट्टो इनू कट्टो माड़ी जी गल है उत नाल जफी तो पा दो कह दो जेल तो बाहर के भी आया भज के मैनू यकीन नहीं हो रहा तू जेल तो भज के आ गया अजे तो जेल च भी कई यकीन नहीं होना पर मैं की करता तेरे बिना जीना बहुत औखा सी हुण सानू कोई वक्त नहीं कर सकता ना तेरे मां प्यो ना भरा ना कोई और पुलिस वो कर सकती है इस करके सानू भजना पैना है भजेंगी ना अमन अमन पुत किथे चली गई मम्मी छेतिया मम्मी मम्मी की हो गया की होया की होया की अमन भज गई हां देखो पंजाबी अखबार घट भेजा करो कोई खरीदता तो है नहीं यार ओ भीम आ खबर पढ़ी हलवाई कदे अपनी मिठाई खांदा है तेरे जीजे दी खबर छपी है जीजा फेर भज गया नहीं विसाखी दे सरकार ओनू रिहा कर रही है आ देख तरसेम लाल पुत्र पैरो लाल आज रिहा किते जानगे जीजा जी रिहा हो रहे ने हां मैं एक मिनट जेलर साहब ना फोन ते गल करनी सी की तेरा दिमाग खराब हो गया
तू जेल तो भज्जिया है जरनैल। ताही ता कह रहे हैं, मेरे भज्जन का हर जाना एक नेक इंसान नु भुगतना पैना है। घट्टो घट फोन करके दस तो दवा कि मेरी मजबूरी की सी। जरनैल की होया, इना उदास क्यों है? मैं आई तो सोच रही कि अपन कदों तक लुकते रहेंगे। तू मेरे वास्ते जेल चो भज्जिया, मेरी नजरां च तेरी इज्जत होर वध गई जरनैल। मैं हमेशा एको गल चाहती सी कि तेनू बाइज्जत रिहाई मिले, बाइज्जत। ਸ਼ਤਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਰਨੈਲ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਵੀ कहते ही है बुगू आवेख चंडीगढ़ 13 अप्रैल पंजाब सरकार वालों इस बार विसाखी मौके छोटियां ते गैर मामूली सजावां कट रहे कैदियां दियां बाकी रहिंदियां सजावां माफ करन दा फैसला लिया गया है। इन्हां हुक्मां तहत सब जेल बसी बठाणा दे दो कैदी जरनैल सिंह पुत्र सरदार गुरबख्श सिंह ते कैदी तरसेम लाल पुत्र भैरो लाल अज रिहा किते जाणगे। मेरा पुत पढ़न लग गया, मैं 1.5 साल के अंदर गया, मेरा पुत पंजाबी पढ़ना सीख गया और मैं तो सारी जिंदगी अंदर कट लो तू कर पीए ते बन जा डॉक्टर। तरसेम तेरे अंदर होने तो बाद इस रोंदे हुए बच्चे नु असीं किस तरह संभाले है? ये सानू ही पता है, इसे करके असीं तरां मोहे दे नाल तड़ाउंदे रहे ताकि अगे जाके सौखा रहे। सानू गलत ना समझी तरसी। आया पुत, मैं गया ते आया। डैडी मैं तेनू बहुत प्यार करता। सर जी हुण तां जेल दे सारे कैदी पुछण लग पए कि जरनैल ते तरसेम नहीं दिखदे किथे गए। तुलसीदास तेरे इह जे दोहे हमेशा बलदी ते तेल पाउंदे आ। खैर छड्ड, इह दस पता लगा कि पतंदरां ने जेल दे विच सुरंग पुट्टी कित्थों आ? जी नहीं तां फिर पता करो। जी जनाब। बहादुर सिंह जी सर, आपां जाके कैदियां नूं समझाउने आ कि अज तरसेम ते जरनैल दा जेल च खीरला दिन आ, इस करके ओह थोड़ा कागजी कारवाई दे विच मसरूफ ने। ठीक है सर। जी 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 सर। वैसे तो थोड़े जिड्डा साडा दिमाग है नहीं, पर जे हुक्म होवे तो एक दिमागी गल करा। बोल। मसला तो यही है ना कि बसाखी वाले फंक्शन ते दोनों कैदी हाजिर होने चाहिए हो जाएंगे। ओ कदा आपा बसाखी दे फंक्शन नु ही दो दिन अगे कर देंगे। ना हुण तू नानकशाही कैलेंडर तो भी उत्ते हो गया। ओए बुझ दिमाग जी, विसाखी अक्सर 13 अप्रैल नूं मनाई जांदी आ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਮਰੋੜੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵਰਤ 9ਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਗੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਸਰ। ਨਮਸਤੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ 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 ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗਦੌੜਾ ਫੇਰਿਆ। ਸਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਰਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਭੀਮ ਸਰ। ਭੀਮ? ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ।
बाजी उन्हें बधाई देना है मिला दो बेटे मिला तो देंगे पर अजे उन्होंने नला रहे नला रहे ने सर तुम चीजा रिहा कर रहे हो कि फांसी ला रहे हो जी नहीं मेरे कहने का मतलब ओ अपने करकमलों नाल आप ही ना आ रहे ने क्योंकि आज जेल दे विच उन्हां दा खीतला देना ना दैट्स गुड सर बस दो मिनट ली मिला दियो प्लीज रब दा वास्ता शाम नूं मिल लियो रात नूं उन्हें घर ही आ जाना फिर तेरे मूहरे थान सटिया भावें सुथण संभाली भावें लहंगा नहीं सर है तो उन्हां दे रिहा होण दी खुशी विच लेडी संगीत रखे होया जी पर मैनूं ऐ सी खुद चीजा जी नूं मिल के मैं मूंह मीठा करावां जी उन्हां दा पर भीम जी आ चार क डब्बे तां साडे मुलाजमां नहीं शक जाणे सर तीन तुसीं रख लो जी एक डब्बा रहण दियो उन्हां दी मनपसंद जगह तां खुद लैके आया जी मनपसंद जगह हाँ जी मैनू उन्हें सारिया मनपसंद जगह पता ने जो मैं उन्होंने मिलने आता तो मैंने कहते होंगे भीम जो मैं रिहा हो गया ना उत्थे जाके आप समोसे खावे फलानी थां ते जलेबियां खावे भीम कट्टे गेड़ी शेड़ी देन जावे मैनू उन्होंने सारिया मनपसंद जगह पता ने जी बहादुर सिंह जी सर भीम जी नूं उन्हां दियां सारिया मनपसंद जगह पता ने गल पा दिए गाटी की पा दिए सर गाटी मतलब मतलब सर जी भी जीजा जी भज गए जी की दसिए भीम सैन धियां भैन भजदियां तो बथेरी आ रही देखिए इतने साले जीजा ही भज गए नहीं सर ऐ तो एक बार मेरी भैन भी भज गई सी जी बड़ा मूह वापस मुड़ी है कि हजे तक क्रॉस कंट्री लाई जाती है साहब बहादुर जी उस रब को एक बार गया कद कोई वापस आया जी इहदा मतलब तेरी भैन है नहीं जो तेरी भैन ही नहीं है फिर तेरा जीजा एडी सुरंग पट के केड़ी मां नूं मिल गया हाय साला डंगर जा दंदियां कढ़ी जांदा अच्छा रो रहा रब दा वास्ता जाके अपने जीजा जी नूं समझा कि अपनी संसारक यात्रा दूरी छड़ के वापस जेल च परते नहीं साडी नौकरी तां गई गई आ तुहाडे प्रौणे ने इत्थे सरकारी प्रौणा 5 साल ही होर बन जाणा नहीं सर जी ना सर जी मेरी चीजा जी बचा लो प्लीज मेरी चीजा जी बचा लो सर जी देख मेरे रो ना ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰਦੀ ਚ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਰੀ ਸਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਕਦੇ ਇਹ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਮੂਰਖ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਨੇ ਜੀਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨਾ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੁਕਣ ਲਈ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਫ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਮੀਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਚਣ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਸਾ ਖੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਕਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਲਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਣਾ ਖਣੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਜਾ ਹੈਲੋ ਜੇ 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 ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈਲੋ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਬੋਲਦਾ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਫੜ ਲਿਆ ਓ ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲੋ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੈਮਰੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਤੱਕ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਫਾ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਮਰੋ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੀ ਸੁਰੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਈ ਗੁੱਡ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ
कि असी मिट्टी भर के सुरंग परमानेंटली बंद करती ताकि होर कदी कोई भज ना सके। तुलसीदास तुलसीदास मैं तेनू हुण की कहां, बस एक ही दोहा रहिंदा सी जिहड़ा तू पूरा करता। मतलब मतलब जेल विच हुण तक जिन्ने कैदियां नू फांसी होई आ सानू उहनां सारिआं दा श्राद्ध मनाउणा चाहीदा तां मुसीबतां टलणगीआं। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਪਈ? ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਦੋ ਪਿਓਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਲੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ 5-7 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੰਗ ਪਟਾ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਇਸ ਜਨੌਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪਟਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਧ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਧ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਓਏ ਮੂਰਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁੰਨਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁੜ ਘੁਸਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਸੁਰੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਸੋਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਰੰਗ ਨਾ ਪੱਟਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਆਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਰੰਗ ਨਾ ਪੱਟਦਾ ਆਪ ਪੁਆੜਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਫਸ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਦਾਰੂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲ ਜਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਚਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਰਨੈਲ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਜ ਵੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਲਬੀਰ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਜੰਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥੂ ਥੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਾਈ। ਜਰਨੈਲ ਤੂੰ? ਬਸ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਮਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਨ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਘਰੋਂ ਚੰਜ ਨਾ ਤੋਰਿਓ। ਉਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਜ। ਆਹਾ, ਆ ਬਲਜੀਤ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਜਾ ਭਜਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਭਰਜਾਈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੁਰਜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਰਨੈਲ। ਓਹ ਬਾਈ, ਸਿਹਰੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਫਸਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਤੇਰੀ ਤੀਵੀ ਮੈਂ ਭਜਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਰ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਤੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਲਓ ਆਏ ਗਈ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁਲੀਗ ਮਨੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਮਨੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਕਿਡਿੰਗ, ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਕਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਤਸੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਤਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਜਨ ਤੇ ਚੰਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾ ਆਪੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ। ਐਕਚੁਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਊਮਰ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਈਏ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ। ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 5-7 ਦਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਗਾਰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਰ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਰ, ਨਾਲ ਬਰਫੀ ਤੇ ਪਾਰਲੇ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਪਾਰਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਗੱਜ ਪੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਧਾਰ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਸਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਈ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਸਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਲੇਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ MA ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੋਰੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵੇਂ 5,000 ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇਲਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰੂਗਾ। ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ IQ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੌਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥੜੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਤਸੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਛਕਾ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਜੀਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਬਲਜੀਤ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਪਾਂ ਪਿਆ। ਓ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਭਜਾਉਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ, ਜੀਪ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਗੂ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੱਠੀ 'ਚ ਲੂਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮਿੱਠਾ ਹੋਰ ਪਾ ਪਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ, ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਆ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੀ? ਓਏ ਮਿੱਠਾ ਖਾਓ, ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਵੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਣੇ ਆ। ਫੋਰ ਯੂਰ ਕਾਈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕ ਜੰਮੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਖੱਟਾ ਖਾ ਕੇ ਜੰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਤਸੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਓ ਸ਼ੋਰ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੇ 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 ਸਪੀਕਿੰਗ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਦੇ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਟ ਛੁਪਿਆ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਏ ਮੱਛੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਸਮਝਿਓ ਕਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੂੰ ਬਸ ਜਲਦੀ ਦੋਏ ਮੱਛੀਆਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਛੋਟੇ ਭੀਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਆ, ਆਪੇ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਸੇਬਾਂ ਲਟਕਦਾ ਰਹੂ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਮਗਰ ਮਾਮੇ ਨੇ। ਮਾਮੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਲਿਆ ਡਾਕੀਆਂ,
नहीं सर तो छोटे होंदे तो मामा ही कहंदे आया जी। तू ही तो भी छोटा सी। तुसी इहनू छड्डो जी, चीजे नू फड़ो। आजो आजो फड़ लो। मैनू तो छड़ दे पतंदर। छड़ दई ओ परा हटो जी, असी चोरी दी जीप फड़नी है। तुसी क्यों फड़नी है ब्रदर? ओ असी पुलिस वाले हां। अजकल बहुत नकली पुलिस वाले बनी फिरते हैं। हाँ। आई कार्ड चेक कराओ। आई कार्ड? आई कार्ड तो ठीक है, थैंक यू। हुण तुसी अपना आई कार्ड दिखा सकते हो? पर अखबार विच नाले कोल तां हुंदा नहीं आई कार्ड। यार मेरे बारे गल हो रही है। आई कार्ड के है ना? हाँ। लो हुणे दिखा देंदे। आई कार्ड। मैनू लगता है गलती नाल बच्चे आज स्कूल लै गए। ओ ठीक है हुण साडा टाइम वेस्ट ना करो ते सानू जान दिओ। एवें किवें जान दईए? की पता असी नकली पुलिस वाले होईए। ओ असी मान लिया कि तुसी असली पुलिस हो, सानू हुण जान दिओ। एक पुलिस वाले नूं दूजे पुलिस वाले दी गल समझनी चाहीदी है। देखो जी रिश्ता अपनी थां ते है, लेखा मावां धीआं दा। आई कार्ड तां चेक करना बनदा है। ए ब्लाइंड फेथ तां मरवांदा बंदे नूं। हां जी आई कार्ड तां अज मैं चेक करवा के ही भेजूं थोनूं, भावें छोटे भीम नूं घर ना भेजना पए। जनाब वरगा बहुत सख्त ने, रोज जिन्नी देर अपने घर वाले दा मैरिज सर्टिफिकेट चेक ना कर लैण ना उहनूं बेडरूम च नहीं बड़न दिंदे। जौहल साहब असी अपने ऑफिस रिपोर्ट करनी है, प्लीज उन्हां दोवां नूं बुला दो। नवदीप जी मैं तुहाडे कोल एक सलाह लेनी चाहुंदा। मेरा एक दूर दा कजन, ओहदा एक जवाक आ, पता नहीं मुंडा पता नहीं कुड़ी आ, प्लस टू कर ली शायद, ऐतकी कर लवे, तिना सालां नूं उहनें बी ए भी कर लेनी है। मैं सोचदा बई जे उहनूं जर्नलिज्म की पोस्ट ग्रैजुएशन करवाई जाए तो कि तुहाडे वांगू रिपोर्टर बना दिए किवें रहूगा? ओ मुंडा या कुड़ी पता नहीं कदों बी ए करू, पता नहीं कदों जर्नलिज्म करू, पता नहीं कदों रिपोर्टर बनू। आ तुहाडे सामने दो बणियां बणाईयां रिपोर्टरां बैठियां, तुसी उहनां दे पल्ले ते कुछ पा नहीं रहे। जौहल साहब जे तुसी 5 मिंट विच उहनां नूं नहीं बुलाया ना ते मैं चाचा जी नूं फोन कर दूंगी। अच्छा जी जे इन्ने प्यार नाल तुसी पहलां समझाया हुंदा मैं कदों दा मिलण दा प्रबंध कर देणा सी। कमाल, मैं हुणे ही बुलाउणा उहनां नूं, हुणे सॉरी डंडा चकणा सी। रणजीत सिंह जी जे सच्ची वर्दी लै गई आपां करांगे की? करना की है, मेरे कोल तां पैली हैगी, तू आपदा सोच। मैं थोड़ा सिरी लग जू साहब आ गए। यार कुड़ियां तां हुण धमकियां ते उतरे आईयां, समझ नहीं आउंदी की करिए। सर जी उन्हां नूं गल्लां च ला के टाइम टपाओ जद तक कैदी भी आ जाणगे। ओह तुलसीदास हुण किन्नियां गल्लां मारा, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਔਫਿਸਰ ਦੇ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚ ਲੈ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਦੱਸੇ, ਸਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਹੁਣਗੇ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਜਨਾਬ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੈਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਆਏ ਨੇ, ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਦਾ ਨਾਂ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨਹੀਂ? ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਬਸ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਮਿਲਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਮਿਲਾਓ। अच्छा तुसी ओ जरनैल ते तुसी ओ तरसेम। आ तुसी दसो कि विसाखी दे मौके ते थानू दोहां नू रिहा कीता जा रहा है, किद्दां दा लग रहा है थानू? ओ बीबी आ कोई नवी थर्ड डिग्री है? नहीं नहीं सच्ची रिहा कीता जा रहा है थानू, सरकार ने थोड़े बर्ताव तो खुश होके ना थोड़ी सजा ही माफ कर दी है। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ।
आ फील कर रहे हैं सी। 14 साल ली इत्थे आए हैं, 14 साल ली। तुहानू गलत फहमी हुई है, तुसी 14 साल ली अंदर नहीं आए। एथों दे MLA इन्हां दे चाचा जी ने, ते उन्हां ने ना तुहाडी बाकी दी सजा माफ कर दी। किन्नी तरीक है अज? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल ते मूर्ख तू सानू 1 अप्रैल वांग बना रही है। ओ बीबी, जिस जेल दे विच कैदियां दी फीलिंग दे नाल इहो जिहा मखौल करदे आ ना, तुसी दसो उत्थे असी 14 साल किवें कट सकदे आ? ओ वड़ गई तुहाडी सजा माफी भांडे दे विच, तुसी सानू फांसी करा दिओ बस। ओ असी नहीं कढ़ने इत्थे कोई 14 साल। केड़े 14 साल? ओ तुसी दसो केड़े कानून च लिखिया है कि 2 किलो फीम ते 1 थप्पड़ दी सजा 14 साल? बड़े जाहिल लोग ने, मुंह ते पंजे दा निशान ही झड़ता, ते सरकार इन्हां नूं चंगे विहार लई रिहा कर रही है। आलंदे चाचा जी नूं मैं दसदी हां उन्हां नूं। ओए तू कुड़ी दे थप्पड़ क्यों मारिया? असीं इन्नी मुश्किल नाल कतल कीता ते ओह सानूं थप्पड़ मार बनाई जांदी। ओए MLA दी भतीजी है, हो सकदा ओहदी गल च कोई सच्चाई होवे। सच्चाई होवे, आ गया ओहदियां गल्लां च। मैनूं इह दस, किहड़े मुल्क च सरकार कतल दी सजा 1 महीने च माफ कर दिंदी है? ओए इन्हां लीडरां नूं साडे वर्गे खुंखार बंदियां दी लोड़ हुंदी है जिहड़े कुछ वी कर सकन। ओए हो सकदा उस MLA ने कोई गाठी पा के साडी सजा माफ कराई होवे। गल तेरी च दम आएगा, हैगा दम। गल सुन, इत्थे जेल च सड़न नालों चंगा ये है कि आपां MLA दे टट्टू बन के रही जावांगे। ओ तां ठीक है, पर आ जिहड़ा तू कुड़ी दे थप्पड़ मारता, जे उन्हें अपने चाचे नूं कह के कितने साड़ी माफी कैंसल कराती फिर? यार उन्हां नुकसान कतल नाल नहीं होया, जिन्ना थप्पड़ नाल हो जाना। थप्पड़ मारिया? हाँ जी। ये किवें हो सकता? ये दोनों तो इन्ने बीबे बच्चे ने कि हर रोज सवेरे उठ के अपने सीनियर कैदियों के पैरियां थलाउंदे ने, गुरु कोल वर्गा माहौल बनाया पिया जेल च, थप्पड़ किवें मार सकदे? ना झूठ बोलदी है, आ वेख लो मुँह ते पंजे दा निशान छपिया। ओ नो नवदीप जी, ये गल तुसी प्लीज अपने चाचा जी नूं दस्सिओ, ओह तां पहले दूजी पार्टी दे पंजा देख के उन्होंने होर भड़क जाना। What? ओ यस, मैं ला लिया साहब, ये उन्हां दा कोई कसूर नहीं, ये सारा कसूर सलमान खान दा। जनाब ओ किवें? उन्हें एक बारी पत्रकारां ते हथ की चक लिया, सारे साले ओहदियां रीसां करन लग गए। सर जी जेल मंत्री साहब आ गए। तुलसीदास मैनू अगे घट टेंशन ने, जिहड़ा होर नवां दोहा सुनाउण आ गया, टाइम तो पहले ही आ गए। इधर आओ जी सर। दरवाजा थोड़ा छेती खोलिया करो, बड़े लोग आप दरवाजा खोलते भैड़े लगते हैं। लग देता है सर। वैसे चंगा होया कि आज तुसी बिना लाल बत्ती वाली गड्डी ते आए। वो भी यही ट्रेंड चल रहा है जी, पॉलिटिकल मार्केट। मैनू तो घरेलू मार्केट का पता, घर वाली ने पेके छेती पहुंचना सीगा, लाल बत्ती वाली गड्डी ओ लगी, नहीं तो मैं लेके आनी सी। ओहो हो, जे ऑपोजिशन नु ये गल पता लगी तो उन्हें चक लेना है कि तुसी सरकारी गड्डियां च घरेलू काम कर रहे हो। भाभी जी ने कुछ समझाया करो सर। मैं समझदा जीता जी, तुहाडी भाभी नूं समझाउण नालों आपां ऑपोजिशन नूं समझा लांगे, क्योंकि तुहाडी भाभी नालों वड्डी ऑपोजिशन कोई नहीं हो सकदी। चलिए सर। मूसा डरे मौत तों ते मौत मूहरे खड़ी। तुलसीदास जी जनाब, 5-7 कैदियों नूं स्वागत लई गेट ते भेज ते बाकियों नूं बैरक च इकट्ठे कर। बेहतर जनाब। मंत्री भी घरों कढ़िया ही लगदा। जय हिंद सर। जी आयां नूं विसाखी दीआं बहुत बहुत मुबारकां। जलौर सिंह जी, तुहानू भी विसाखी दीआं बहुत बहुत मुबारकां। देखिया फिर जिहड़े 2 बंदे तुसीं रिकमेंड कीते सी कराते ना रहा, खुश होण तां? बस सर खुशी हाँ। पर लग नहीं रहे। एक्चुअली सर जिहड़े कैदियों नूं तुसीं रिहा कर रहे हो उन्हां नाल मेरा प्यार ही इन्ना पै गया सी कि अज ओह जा रहे ने, इस करके थोड़ा मन भरिया है, अदरवाइज़ कोई खास गल। कदों तक दुखी रहोगे? इन्हां कैदियों नूं अपनियां धीआं समझो, सारियां धीआं ने एक दिन तुर जाना हुंदा। सर जी आए एक एक करके सारियां धीआं तुर गईआं, फिर तो एक दिन बावल का बेड़ा सुनना होजू, बस बचणगे तो 2-4 उम्र कैद वाली धीआं बचणगे। जे इन्नी दुखी हो रिहाई कैंसल करा दें, पेके बिठा के रखियो प्रभ दीआं धीआं नूं। सर तुसीं धीआं की गल करते हो, उत्थे धीआं दे प्यो दा नहीं पता कि शाम तक उन्हें आप पेके रहना कि नहीं रहना। की मतलब? सर मेरा मतलब पेके आओ, प्लीज वेलकम आओ। सर पता नहीं कदों के तुहाडे स्वागत लई। सत श्री अकाल।
की हाल चाल है थोड़ा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बस जी इको प्रॉब्लम है जी, आ गर्म पानी पी पी के सब दिन अंदर सड़िया पई ने जी, मेहरबानी करके एक वाटर कूलर लवा दो जी। पर कूलर आप पिछले साल लवाए तो सी? वो तो सर हवा वाले सी। हवा तो ठंडी दिंदे हो गए। हाँ जी। बस फिर इन्हों गर्म पानी पिला के उन्होंने मूहे बिठाओ, आप ही पानी ठंडा हो जाओ। नोट कर लिया जी, नोट कर लिया। मैं अगे विधवा आश्रम भी जाना है, आप फंक्शन छेती शुरू करिए। सर आप फंक्शन एड्डी जल्दी शुरू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर अजे तक तो इन्होंने अपने दिल दी गल तो कोई साझिया की नहीं, यह तो बेचारे सवेर के तुम आई डीकन लगे हुए हैं जिम्मे जीजे सालियाँ। मेरे कहने का मतलब सर जे इन्होंने अपने दिल की पड़ास ना क्ढ़ी तो भड़क जाएंगे, सो सर बेनती है कि साड़ी मजबूरी समझो। चाचा जी ओह जे मैं थोड़ा दूर का चाचा है तो मतलब ये थोड़ा भी दूर खड़ के आवाजा मारो, नेड़े आके गल करो। चल कि मेरे इंटरव्यू उही तो मैं थोनों दसना सी। मैं इन्हों पहले दस चुकिया कि साढ़े कैदी कद कद भटक जाते हैं, उन्होंने माफ कर दो। माफ कर दो? स्वागत बारो फुल फल तो मंगा लेने सी, बारो तो होर भी बथेरा कुछ मंगाया हजे राह च ही आ, तुसी 15 मिनट पहला जो आ गए। अच्छा बस 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 मेरे कैदी साथियों, सब तो पहला मेरे वालों आप सब नू बसाखी दे मौके ते बहुत बहुत मुबारकां। मैनू जेलर साहब ने दस्या सी भी तुसी सारे मेरे नाल अपने दिल दीआं गल्लां सांझीआं करनीआं चाहुंदे हो, खुल के बोलो। मंत्री जी, एक मिनट आउण दे उहनां नू, बोलो। मंत्री जी असी अपनी गलती लिए शर्मिंदा, सानू माफ कर दो। देखो इंसान गलतियां दा पुतला है, जे पुतले चो फूक निकल जाए फिर पुतला इत्थे रख के फूकना है। तुसी अपनी गलती मन्नी, इस गल दा मैनू तुहाडे ते माण है। मंत्री साहब जेड़ी अज रिहाई होनी है ओह कैंसल ते नहीं ना होनी? लै दस कैंसल क्यों होनी है, बल्कि रिहाई मैं अपने कर कमलां नाल करके जाऊंगा, तां कि जेल दे विच बाकी कैदियां नू उत्साह मिले। जे अज सरकार चंगे बरतावे करके जेल दे विचों दो कैदियों नू रिहा कर सकती है ते कल नू चार नू भी कर सकती है। बस बहुत हो गया चलो शाबाश। फंक्शन स्टार्ट भी करता, जेड़े बंदे कैदियों लभ के लैके उन्होंने इंतजार भी नहीं किया। साहब मेरे नाल लगते हैं मेरी प्रमोशन ना ना हो जाए। पर मेरे नाल तो कोई लाग डाट भी नहीं। जैन सर शुक्रिया तुसी आ गए। सर कितने दोवे कहते? ये सवाल मैं पूछना, कितने दोवे? सर असी तो पुलिस तो बचा के उन्होंने हथे भेजता सी जेल च। फिर कितने चले गए? उन्होंने नाल नहीं लैके आ सकते सी? सर असी राज थोड़ा रुक गए सी, जीजा जी रिहाई वेले पाउण लई फुल्लां दा हार चाहिए सी ना जी। ओ पहला अपने जीजे नूं इत्थे आके मरता लैण दिंदा फिर हार भी पा दिंदा। जेलर साहब की हो गया? ओ सर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰ ਮੰਗਾਇਆ। ਐਡੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਗਾਲੀ ਸੀ, ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਰ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਪਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਲਾ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਬਾਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ 3-4 ਬੂਟੇ ਘਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ? ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸਵੇਰੇ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਪੱਟਿਆ ਉਹ ਗੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੰਗਾਓ ਵੀ ਬੂਟਾ। ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਸਰ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲੈ ਕੇ। ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੂਟਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਈ ਪੱਟ ਲਿਆਓ, ਬਸ ਬੂਟਾ ਲੈ ਆਓ ਜਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ। ਦੇਖਦਾ ਹੋ, ਹਟੋ ਪਰੇ ਹਟੋ ਪਰੇ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰ, ਆ ਲਿਆ ਹੈ ਬੂਟਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਟ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ। ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ। ਸਰ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੜਾ ਟੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ। ਓਏ ਲੋਕੀ ਉੱਪਰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਲਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਸਰ ਮੈਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਗਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਬੂਟਾ, ਲਿਆਓ ਜਲਦੀ। ਆਇਆ ਸਰ, ਲਿਆਓ ਫੜਾ,
ਲਿਆਓ 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 ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲਓ ਸਰ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਗੇ ਧੂਫ ਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸਰ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮਾਬਤ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੂਟਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਾਓ ਸਰ ਆਓ ਆਓ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਸਰ ਪਾਣੀ ਫੜਾਓ ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੈਦੀਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਵਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਗੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਚਲੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ 1 ਮਈ ਲੇਬਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੋਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਐਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤ ਛੱਡਦਿਆ ਕਰੀਏ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਲਵਾਈ ਛੱਡਦਿਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੰਗ ਨਾਲੇ ਲਾਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਰਬਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਸੋਰੀ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਜਰਨੈਲ ਬਲਜੀਤ ਜਰਨੈਲ ਸੌ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਲਜੀਤ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਮੰਨ ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਪਿਓ ਨਾ ਜਗਾ ਦੀ ਓਏ ਓਏ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਲੋਕ 2 ਦਿਨ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਪਰ ਅਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਅਮਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨਾ ਬਾਈ ਕੁੜੀ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਛੁਹਾਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਮਨ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਢੋਲ 'ਚ ਫੀਮ ਰਖਵਾਈ ਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ
घड़ी आ गई जिस दा साडे कैदी वीरां नूं बड़ी बेसबरी नाल इंतजार सी। सजा पूरी होण तों पहलां ही कैदी वीरां दी रिहाई। मैं साडे जेल मंत्री श्री सतपाल मंडेल जी नूं बेनती करदा कि ओह मंच ते आउण, आके अपने विचार कैदी वीरां नाल सांझे करन अते रिहाई दी रसम शुरू करन। श्री सतपाल मंडेल साहब। ये तो बंदूकी आ क्यों जी सुरंग पट्टी है जड़ी एक दिन ना चली ना। मैं हुन गारंटी लाके सुरंगा पड़दा नाले ये अपनी बंद हुई किसी ने मेरे कित्ते कराए ते मिट्टी पाई है। हुन मेरे कैदी वीरो मेरे समझ नहीं आ रहा मैं की बोला। मेरे समझ नहीं आ रहा मैं की बोला। सच्चों समझ नहीं आ रहा मैं की बोला। हुण स्पीच हाथ विच मेरा मतलब है हुण गल हाथ विच है हुण तुसी सारे जाने खुल के गल्ला कर सकते हो। मैनू पता है जेल दे विच जिंदगी कटनी बहुत औखी है। साडी सरकार दी एक कोशिश रहूगी जेल दे विचों चंगे परतारे वाले कैदियों नूं एक एक करके जल्द तो जल्द रिहा किया जाए। दुख है सानू इस गल का कि तुहाडे आदमी तुहानू छड़ के चले गए। सानू खाण नूं पैंदे आ तुहाडे नंगे सिर ते सफेद कपड़े। पर तुसी फिक्र ना करो साडी सरकार तुहाडे नाल खड़ी है। तुहाडे पिछों किसी का भी दुबारे ब्याह कराउण दा विचार होवे तां सरकार तुहाडे लई मुंडे लभ के देवेगी। मुंडे लभ के आखिर आदमी ही आदमी दे कम आउंदा है। मैनू पता है तुसी बहुत लेट हो। अज तुहाडे पिछों मैनू झांसी की राणी नजर आ रही है। मदर ट्रेसा नजर आ रही है। पीटी उषा नजर आ रही है। परमात्मा ने यह सिर्फ तुहानू ही बख्शिश की है कि तुसी अपने पेट में 9 महीने बच्चे नू रख सकती हो। परमात्मा ने बख्शिश तुहानू की है। मैनू पता सच हासो ही ना हुंदा पर वीरो मेरी गल सुनो मैनू लाइटली ना लो। तुसी जदों भी रिहा हो के इत्थों अपने घरे जाना अपनिया धीआं भैणां मतावां नू यही गल कहनी है सरकार वल्लों भरावो। यह जे बेवकूफ मंत्री दे मरे ते कोई बैन पाण ना जाए। लोकी वोटां पाण पता नहीं किवें चले जांदे। कंपैशनेट ग्राउंड ते मंत्री जो बने आ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਥੀ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੈਦੀ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 2 ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ चुप तुसी फिर ऐ करो जदों आ गया सानू बुला लियो। Oh,
मानयोग जेल मंत्री साहब ते मेरे कैदी वीरो, इस तो पहला कि सच्चाई सब दे सामने आवे, मैं अपना हुण तक दा क्लीन रिकॉर्ड आप सब दे सन्मुख पेश करना चाहांगा। कुछ वरे पहला साड़ी जेल दे विच रामलीला होया करती सी। लक्ष्मण मूर्छा वाले दिन हनुमान बने कैदी ने संजीवनी बूटी लैण दे बहाने ऐसी उड़ारी मारी कि दशहरा भी टप गया, पर प्यो दा पुत वापस ना परतिया। फिर असी अपनी जेल दा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करने लई फैसला किया कि अगों तो साड़ी जेल दे विच लक्ष्मण जी नूं जो हुंदा हो जावे, पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लैण जेल तो बाहर नहीं जाणगे। जिवें मंत्री जी कह रहे सी कि मैनूं समझ नहीं आ रही मैं की बोलां, मैनूं समझ तो आ रही है मैं की बोलां, पर यह समझ नहीं आ रही कि मैं किवें बोलां। इन्हां 20 सालां दी नौकरी विच मेरी हमेशा कोशिश रही है कि इस वर्दी ते कोई दाग ना लग जाओ, बस नाती धोती रह गई ते उत्ते मक्खी बह गई। किवें फरोला मैं अपने दिल दे जज्बातां नूं ते दर्दां नूं, मुकदी गल की 100 गल्लां दीआं 2-3 गल्लां। इन्हां रिहा होण वाले दोहां कैदियां नूं मैं अपने बच्चियां वांगू प्यार कीता, पर इन्हां ना शुक्रिया ने मेरे नाल मतराए प्यो वाली कीती, मेरी वर्दी अलाउ नहीं करती। नहीं अज इस मुबारक मौके ते मैं ऐसी गाल बोनी सी कि ना दोहां कैदियां दे घरदियां ने आके मिन्नतां करनियां सी, असंभव अपने कैदी विच मामा भैणां खड़ीसण दी लोड़। डाउन ना कुछ नहीं होना, मैं करके देख चुका, ए दिला कन नहीं टप्पी जानी, सब खत्म हो गया है यार। कुछ खत्म नहीं होया, छाल तो मारनी पड़नी है। जनरल कोई होर राह लभना पड़ना है, तू तो सुनया कदे किसी नु इन्नी की डांग ना लेनी उच्ची छाल मारदे हुए? नहीं सुनया, पर सुनया तो ये भी नहीं है कि जेड़ी कुड़ी ने जिस मुंडे नू व्याह लई ना करती हुए बाद चो उसे ना घरों भज गई। सुनिया तो यह भी नहीं है कि एक प्यो अपने पुत नू मिलन लई बारी बारी जेल तो भजन की कोशिश करता रहे ते हर नाकामयाब कोशिश तो बाद भी हार ना मने। तू हार मनी नहीं ना, तरसेम लाल हर काम पहली बारी आपां ही कीता है। एक कंध जिहड़ी पहला किसी ने नहीं टप्पी, इहनू भी पहली बारी असी ओ टप्पांगे। तेरे मुंडे ने हजे सिर्फ पढ़ना सीखिया, हसना खेडना जीना सब कुछ सीख जो, तेरे बगैर ते तू भी किसी होर नाल ब्याह करा के रोंदी रही मेथों बगैर। जे रिहा होके बाहर निकलना है, अंदर जाना ही पैना है। वेख ले किते तेरा डर तेरे पुत दी खुशियां नू मार ना दे। जिदन कानून तेलो बेकसूर कहूगा ना, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਚ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਓਏ ਪਤੰਦਰੋ,
ਇਹਨਾਂ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚੌਕਾਂ ਟੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਨੇ ਜਿੱਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਮਨਾਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਕਲਾਬਾਜੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਬਈ ਭਰਾਵੋ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੜਦੇ ਆ, ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਮੂਰਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਾਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਮੰਡੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਲੈਂਟ ਕਾਹਦਾ, ਕੈਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ। ਜੰਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਉਹ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇਲਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਬੂਤ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜੇਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਂ ਮੈਂ? ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੂਗਾ ਜੀਤਾ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ, ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਛੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਪੁੱਤ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਏ? ਆਲਸ ਵੈਲ ਦੈਟ ਐਂਡਸ ਵੈਲ। ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਪੂਰੇ 21 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦਾਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ